नमस्कार, प्रणाम। मैं नर्दमन तिवारी हूं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा को लेकर के, लखनऊ विश्वविद्यालय का जो पीजी एंट्रेंस हुआ था 2024-25 का, उसको लेकर के, और उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में फैकल्टी ऑफ लॉ में चलने वाले LLB 3 ईयर्स कोर्स के विषय में एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय के पीजी एंट्रेंस के उपरांत जिन भी लोगों ने LLB 3 ईयर्स कोर्स में अपनी चॉइस फिल की थी, विश्वविद्यालय को चुना था या किसी कॉलेज को चुना था अपने अपने रुचि के अनुसार, अपने अपने रैंक के आलोक में, उन सभी लोगों के लिए जानकारी यह है कि विश्वविद्यालय के द्वारा फर्स्ट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। फर्स्ट अलॉटमेंट का रिजल्ट क्या होता है, इसको समझ लीजिए। आपने मान लीजिए सबसे पहले जब च्वाइस फिलिंग की थी, जो 17 तारीख उसकी लास्ट डेट थी, उसके पहले आपने जाहिर सी बात है च्वाइस फिलिंग कर ली होगी, बहुत समय नहीं हुआ है। च्वाइस फिलिंग में मान लीजिए आपने सबसे ऊपर चुना यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ विश्वविद्यालय का कैंपस, दूसरे नंबर पर चुना आपने ABC कॉलेज, तीसरे नंबर पर चुना आपने XYZ कॉलेज। अभी क्या हुआ है, अभी विश्वविद्यालय के द्वारा ये अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया है। अब अगर आप विश्वविद्यालय की कट ऑफ के अंदर आ रहे होंगे, तो अगर आप लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करेंगे एडमिशन पेज पर जाकर के, तो वहां पर जो आपके अलॉटमेंट और आपकी रैंक और आपकी अगर आप कट ऑफ में आ रहे होंगे, तो आपके कट ऑफ के अनुसार आपको वो चीज अलॉट कर दी गई है। मींस अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस की कट ऑफ को टच कर रहे होंगे, उस दायरे के अंदर होंगे, तो वहां पर लिख के आ गया होगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में मतलब सीट आपके लिए अलॉट हो गई है। कोर्स क्या अलॉट हुआ है और इंस्टीट्यूट क्या अलॉट हुआ है, वो दोनों चीज लिख करके आती है। दूसरी बात, कुछ लोगों को उनका मनचाहा कोर्स नहीं मिला होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस कट ऑफ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ लोग छोड़ते हैं और कुछ अन्य कारण होते हैं, इस कारण से दूसरी कट ऑफ जरूर आती है, तीसरी भी आती है, कई बार चौथी भी आती है। ये केवल और केवल सीट खाली रहने के ही बाद होता है, इसके अलावा कोई अन्य जुगाड़ या अन्य मतलब तरीके से नहीं होता है। अगर सीट खाली रह जाएगी तो जाहिर सी बात है सेकंड कट ऑफ आएगी, अगर तो उसमें और अधिक रैंक वाले बुलाए जाएंगे, अधिक रैंक मतलब जिनकी थोड़ी सी गड़बड़ रैंक है, उसके बाद अगर सीटें खाली रहेंगी तो थर्ड कट ऑफ आएगी, थर्ड लिस्ट के लोग बुलाए जाएंगे। तो अभी एक बार जाइए विश्वविद्यालय के एडमिशन पेज पर, अपना लॉगिन आईडी यूज करिए, लॉगिन पासवर्ड यूज करिए, और जिन भी लोगों ने सबसे पहले कैंपस सेलेक्ट किया होगा या जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया होगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको मिल गया होगा। कुछ लोगों के साथ क्या समस्या आएगी, जो इस बात को ध्यान से सुने, उसमें लिख करके आएगा कि आप लॉगिन करने के लायक नहीं है, आप लॉगिन करने के एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है। समझने वाली बात यह है कि हो सकता है कि आपने वहां पर केवल विश्वविद्यालय को ही सेलेक्ट किया हो, या हो सकता है आपने वहां पर विश्वविद्यालय के बाद कोई एक कॉलेज सेलेक्ट किया हो, तो वो दोनों के हिसाब से, उन दोनों के अनुसार आपको कुछ ना मिल रहा हो। ये बहुत बहुत कम स्थिति में होता है। अगर आपने विश्वविद्यालय के बाद कोई एक कॉलेज सेलेक्ट किया हुआ है, तो मेरी बात ध्यान से मानिए, आपकी रैंक कुछ भी रहे, कुछ भी गड़बड़ रहे, मतलब बहुत गड़बड़ नहीं, मतलब बिल्कुल अंतिम पायदान पर नहीं, लेकिन अगर 1500 1500 के आसपास है, तो जाहिर सी बात है वो कॉलेज आपको जरूर अलॉट हो जाता है, ठीक है। और अगर आपने, बहुत लोगों से मैंने खुद कहा हुआ है कि हाँ उम्मीद है, हाँ एकदम उम्मीद है, हाँ एकदम हो जाएगा, जिनसे मैंने कहा एकदम हो जाएगा, जाहिर सी बात है आज उनको लखनऊ विश्वविद्यालय मिलेगा, जिससे मैंने कहा है उम्मीद है, हो सकता है इस कट ऑफ में ना आप आ रहे हो, तो आपको सेकंड कट ऑफ में मौका मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि जिसका EWS में 50 EWS में रहा होगा, और उससे मैंने कहा कि केवल कैंपस भरना, तुम्हें कैंपस मिल जाएगा पहले में नहीं तो दूसरे में सही, तो हो सकता है आपको भी कुछ ना मिल रहा हो, अगर आपने केवल विश्वविद्यालय भरा हो तो, या अगर आपने कॉलेज भरा होगा तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो जानकारी आप लोगों के लिए यह है कि बिल्कुल परेशान होने की, घबराने की, फोन मैसेजों में घुस जाने की, या तमाम सारी जगहों पर भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आपका मनचाहा इंस्टीट्यूट, अगर आपको आपका मनचाहा कैंपस मिल पा रहा है, तो वहां पर सीट को, उसकी फीस पेमेंट करिए, और फीस पेमेंट करने के बाद उसका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए। इस बात को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है और आपको कोर्स कौन सा अलॉट हुआ है। LLB 3 ईयर्स कोर्स तो अलॉट हुआ होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट आपका अगर मनचाहा नहीं है तो क्या करना है, उसको सुनिए ध्यान से। सीट का कंफर्मेशन फीस आपको सबमिट करना पड़ेगा, पहली चीज, सीट का कंफर्मेशन फीस आपको सबमिट करना पड़ेगा, और उस कंफर्मेशन फीस को सबमिट करते ही वो चीज ऑटो अपग्रेड के लिए हो जाती है। एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा कि वहां पर ऑटो अपग्रेडेशन लिख करके आ रहा है या अपग्रेड करने का ऑप्शन है, उसमें लिख करके आता है कि कंफर्म एंड अपग्रेड। अगर आपने कंफर्म और अपग्रेड कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आने वाली स्थिति में जगह बचती है, तो अपग्रेड होकर के आपको जो नीचे नंबर की चीज अगर अलॉट हुई है, तो जाहिर सी बात है अपग्रेड होकर के आपको ऊपर वाली चीज अलॉट हो जाएगी। बिल्कुल सामान्य सी बात है, इस बात को समझिए कि अगर आपने सीट कंफर्मेशन फीस ही नहीं सबमिट की, तो यह मान लिया जाएगा कि आप विश्वविद्यालय की जो ये ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग है, मतलब सारी चीजें फोन से, सारी चीजें लैपटॉप से घर बैठे हो रही हैं, ऑफ कैंपस, कैंपस से दूर लेकिन ऑनलाइन हो रही हैं, अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो कंफर्मेशन फीस जरूर सबमिट कीजिएगा और अपग्रेड जरूर लगा दीजिएगा।
और बाकी जिन लोगों को उनका मनचाहा कोर्स मिल गया है, जिनको उनका मनचाहा संस्थान मिल गया है, वो बात मेरी ध्यान से सुने कि वो बहुत सावधानी से फीस का पेमेंट कर दें। कुछ लोगों के मन में आएगा कि कुछ लोगों की फीस 500 ज्यादा है, कुछ लोगों की फीस कम क्यों है। इसलिए है क्योंकि आप किसी अन्य विश्वविद्यालय के होंगे, आपको एनरोलमेंट की फीस दोबारा देनी पड़ी होगी, पड़ेगी, इसलिए आपको पैसा ज्यादा लगेगा। जो लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी संबद्ध कॉलेज से, किसी एफिलिएटेड कॉलेज से स्नातक हैं या पीजी कोर्स आपने यहाँ पर किया है और खारजा नहीं लिया है, मीन्स ट्रांसफर नहीं हुए हैं, माइग्रेट नहीं किए हैं, तो आपकी जो जो एनरोलमेंट नंबर है वो सेम पड़ेगा। वहां पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका, क्या आप ऑलरेडी इनरोल्ड हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में। वहां पर लखनऊ विश्वविद्यालय के लोग या लखनऊ विश्वविद्यालय के अफिलेटेड कॉलेज से जो स्नातक कर रहे हैं या किया हुआ है, सॉरी जिन्होंने किया हुआ है, वो लोग टिक करेंगे यस, तो जाहिर सी बात है उनका 500 रुपया कम लगेगा क्योंकि उनको इनरोलमेंट दोबारा विश्वविद्यालय में नहीं कराना है। और बाकी जो अन्य विश्वविद्यालय के होंगे, मान लीजिए आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हैं, आप चौधरी चरण सिंह मेरठ से हैं, आप नरेंद्र देव से हैं, आप राम मनोहर लोहियावाद विश्वविद्यालय से या किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से हैं, प्रदेश के या राष्ट्र देश के कहीं से भी, आपकी जो अलग एनरोलमेंट फीस है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा 500 रुपये लगेगी। तो दो बातें हैं, एक तो जिनको मनचाहा कॉलेज नहीं मिला है वो अपग्रेड में जाएं, और जिनको मनचाहा संस्थान मिल गया है वो विश्वविद्यालय की आईडी पासवर्ड डाल करके पैसे का पेमेंट करें। जब जिस समय पैसे का पेमेंट कर रहे हो, मैं सबके लिए कहूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करके कहूंगा कि अच्छे नेटवर्क में करिए, और बिल्कुल जब आपका सब ठीक ठाक टैब चल रहा हो, आपका लैपटॉप फोन जो भी है चल रहा हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पैसा कट तो जाता है, रसीद डाउनलोड होने में थोड़ी सी समस्या होती है, और वो थोड़ी सी समस्या कहीं दूर 400-500 किलोमीटर दूर बैठे आदमी के लिए, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से 400-500 किलोमीटर दूर है और शाम में उसका कोई फोन नहीं उठाने वाला है, हेल्पलाइन से कोई मदद नहीं मिलने वाली है, उसके लिए बड़ा अफरा तफरी हो जाती है। तो धैर्य रखिए, अगर पैसा कटा है तो जाहिर सी बात है विश्वविद्यालय के कोर्स में ही गया है, विश्वविद्यालय के फंड में ही गया है। ये नहीं कि आपने एक बार फीस पेमेंट करी फंस गया, अरे अब क्या करें, दोबारा से पेमेंट कर दिया, नहीं करिएगा, क्योंकि वो लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस बात को समझिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं जिन भी लोगों को लखनऊ विश्वविद्यालय के पहले अलॉटमेंट के रिजल्ट में सीट मिल रही है। जो लोग पूछ रहे हैं कि भैया कट ऑफ नहीं आया है पेमेंट कर दें क्या, तो भैया आप कट ऑफ में आ गए हैं तभी आपको वो मिला है, चाहे विश्वविद्यालय चाहे कॉलेज। जिन भी लोगों को कोई कॉलेज मिला है और विश्वविद्यालय चाहते हैं और उन्होंने चॉइस फिलिंग करते समय विश्वविद्यालय ऊपर भरा हुआ है, वो सीट को कंफर्म करके अपग्रेड के लिए लगा दें और ईश्वर से प्रार्थना करें। और हम भी आशा करते हैं कि आपको जो नया वाला, जो नई कट ऑफ जो आएगी, जो नया दूसरा अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, उसमें आपको सीट मिल जाएगी। थोड़ी देर में जैसे ही कट ऑफ आती है मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, लखनऊ विश्वविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है, विधि संख्या में आपका हार्दिक स्वागत है, प्रणाम।